मैं अल्ताफ कराना वाला मालेगांव आम आदमी पार्टी सदर। आज मैं बकरा ईद के मौके पर जो मालेगांव शहर की रुकन पार्लियामेंट शोभा ताई बच्छाव को जिस शख्स ने फ़ोन करके जानवरों को छुड़ाने की बात कही थी, उसका पैर फ्रैक्चर होने की वजह से आज मेरी मैं उनकी आदत के लिए गया, क्योंकि उनके भाई मरहूम मंसूर कारपोरेटर मेरे अच्छे दोस्त थे, अच्छे मुरासिम थे उनसे। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ कि उनकी टांग टूट गई है, तो मैं उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा। मुलाकात करने के बाद मेरी उनसे बहुत लंबी और तफसीली बातचीत हुई। मैंने उनसे कहा कि यार आपने शोभा ताई बच्छाव को फ़ोन क्यों किया था, तो बहरहाल उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं डिप्रेशन में था, थोड़ा सा परेशान था, और कौम की हमदर्दी में मैंने वो उनको फ़ोन लगा दिया था ताकि गरीबों का नुकसान ना हो। और ताई ने भी ऐसी कोई बात नहीं कही थी जिससे हंगामा हो, उन्होंने जो मुख्तसर सा जवाब दिया कि ठीक है मैं बात करती हूँ देखती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि बात इतनी लंबी चौड़ी हो जाएगी। बहरहाल मैं उन्होंने मुझसे साफ अल्फाज में कहा कि मैं भाजपा और कांग्रेस और हमारे डॉक्टर सुभाष भामरे साहब इन तमाम पार्टियों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, क्योंकि कभी भाजपा इक्तदार में रहती है तो कभी कांग्रेस रहती है, मुल्क को यही लोग चलाते हैं। तो मैं सेकुलर मिजाज का आदमी हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, और दोनों पार्टियाँ मुझे भाजपा से भी कोई शिकायत नहीं रही है, ना तो कांग्रेस पार्टी से कोई शिकायत रही है। तो मैंने बहरहाल उनसे यह बात कही है कि यार मैं आपकी आदत के लिए आया हूँ, और आपने जो बातें मुझसे कही है, मैं सिर्फ आपको यह कहना चाहूँगा कि आप कोई ऐसा कदम या कोई ऐसा फ़ोन वगैरह किसी को ना करें जिससे शहर का लॉ एंड ऑर्डर का मसला आ जाए और इंतज़ामियों को परेशानियों को सामना करना पड़े। मालेगांव शहर काफ़ी अरसे से अमन और पसंदी के साथ रहता आया है, हिंदू और मुसलमान यहाँ पर भाईचारगी के साथ रहते हुए आए हैं, इसीलिए मेरी मरहूम मंसूर साहब वो अच्छे कारपोरेटर थे और आप उनके भाई, आपसे ही मेरे ताल्लुकात अच्छे ही हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप आने वाला जो भी वक्त रहेगा, आप कभी भी किसी भी चीज़ को इस तरह से ना करें कि शहर के अंदर या पूरे पार्लियामेंट हलके में कोई ऐसे मसाइल को पैदा हो। उन्होंने बहरहाल कहा कि आप आए, मेरी इयादत की, उनका पैर फिक्चर हो गया, वो चल नहीं सकते, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। बाकायदा उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी को बहुत पसंद करता हूँ, आपके यूट्यूब चैनल को देखता हूँ, आपके बयान को पढ़ता हूँ, उन्हें भी बहुत खुशी हुई। और मैं उनसे यही कहा कि मैं एक अच्छी उम्मीद लेके आपके पास से जा रहा हूँ, और ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जल्द अज जल्द सेहत याबी अता करे। हाँ, शोभा ताई बच्छाव को हमने 6 कामों की मांगनी की थी, और हम इस इंतज़ार में थे कि वहाँ पर लोग हल्फ ले लेवे, रुकन पार्लियामेंट वहाँ का इजलास ख़त्म हो जाए। जैसे ही ये तमाम मामला होते हैं, हम शोभा ताई बच्छाव से बराह रास्त तो कॉन्टेक्ट करेंगे, और उनसे ये 6 मुद्दों पर इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, क्योंकि हमने उनसे बिला शर्त तो बिना पैसा लिए उनसे हमायत का ऐलान किया है। तो ये काम उन्हें बहरहाल करना होगा, वो चुनकर आ गई है, और हमें उम्मीद भी है कि वो करेगी। आप इत्मीनान रखिए, शोभा ताई बच्छाव को थोड़ा सा ये सब मसाइल से हो जाने दो, मैं उनसे मुलाकात करूँगा बराह रास्त, और उनसे वो लीडर के ताल्लुक से बात। देखिए, वो जो कुछ लीडरान नाराज़ है तो नाराज़गी हो सकती है, लेकिन मेरा यह मानना है कि ना अपने ज़ाती नाराज़गी के लिए शहर का नुकसान ना हो। मेरी उन लीडरान से भी गुजारिश है कि आप तमाम बातों को बलाए ताक रखे और उनसे मुलाकात करा। ताई से भी मेरी गुजारिश है, अगर उनसे कोई आपसे कोई खता हुई तो आप बराह रास्त तो उनसे फ़ोन पर बात करें, तमाम अगर कोई बात है तो मामले को रफा दगा, और इस शहर को हमें आगे ले जाना चाहिए। तमाम लीडरान से मेरी यही गुजारिश है। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेटलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।